नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर UGC CBSE नेट में। दोस्तों, मैं आपका अनअकैडमी और YouTube एजुकेटर अंकित कुमार साहू राजवीर दोस्तों लेकर के आता हूँ आपके लिए कुछ बेहतरीन क्लासेस YouTube पर और कुछ अनअकैडमी पर। तो दोस्तों आए अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करें और YouTube पर अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फिर से कुछ बेहतरीन पॉइंट्स आपके लिए NTA नेट इंग्लिश JRF के लिए। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं लास्ट में देना चाहूंगा कि मेरा क्रैश कोर्स NTA नेट इंग्लिश स्पेशल जो चल रहा है अनअकैडमी पर लाइव, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो उसे ज्वाइन करें और यूज करें मेरा रेफरल कोड और पाएं 10% का इंस्टेंटली डिस्काउंट। तो दोस्तों ये है स्क्रीन पर मेरा रेफरल कोड जिसे यूज करके आप पाते हैं इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट। दोस्तों आज की क्लास जो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए स्पेशली एक बेहतरीन टॉपिक पर जो हमारी एक नई यूनिट जुड़ी है लैंग्वेज वाली। तो दोस्तों आज से हम लैंग्वेज की इस यूनिट को कवर करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास, देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात, सबसे पहला क्वेश्चन वो आपके लिए और मेरे लिए और हम सब नेट के एस्पिरेंट्स के लिए, ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ ये है व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज। दोस्तों ये हमारे सामने कई बार प्रश्न खड़ा हो जाता है। जब बात आती है दोस्तों कम्युनिकेशन की तो हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर कट समझनी होती है कि देयर इज द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड व्हाट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज। जो रोल है लैंग्वेज का और जिस माध्यम को हम यूज करते हैं दैट इज लैंग्वेज। दोस्तों लैंग्वेज क्या होता है, मीन्स होता है कम्युनिकेशन का। सबसे बड़ी बात कि देखिए हम ह्यूमन बींग है और जो अन्य पशु पक्षी प्राणी हैं वो ह्यूमन बींग नहीं। अगर वो बर्ड्स एनिमल्स देन अदर थिंग्स जो फ्लोरा एंड फना है हमारी इस दुनिया में वो सारे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अगर वो कम्युनिकेट करते हैं तो देयर मस्ट बी अ लैंग्वेज। तो दोस्तों ह्यूमन बींग एक ऐसे प्राणी हैं, ह्यूमन जो भी हैं इस दुनिया में, इस संसार में, वो किसी भी ओरिजिन के हों वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। दोस्तों हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों? क्योंकि हम अपने आइडियाज को एक दूसरे के साथ क्या कर सकें, इंटरचेंज कर सकें, हम अपनी डिजायर्स को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकें, हम अपनी इमोशंस को एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ शेयर कर सके और समझ सके। तो दोस्तों हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हमारी वार्तालाप का, हमारे बोलचाल का एक साधन है। यानी लैंग्वेज क्या दोस्तों, इसका मतलब कि लैंग्वेज, अब हमें समझ में आ गई कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन का माध्यम है। दोस्तों हम बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर वी मस्ट ऑलवेज हैव अ सर्टेन पॉइंट अबाउट लैंग्वेज एंड व्हाट इज लैंग्वेज, देन यू कम टू नो दैट लैंग्वेज इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग कि लैंग्वेज में क्या क्या चीजें हैं दोस्तों, इसका डेवलपमेंट कैसे हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है लैंग्वेज के। दोस्तों लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस डेवलप्स थ्रू लैंग्वेज, जो हमारा लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है धीरे धीरे वह कैसे डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है दोस्तों, वो होता है लैंग्वेज के यूज के थ्रू। दोस्तों हम डेली यूज में कई तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज, ऑफिस लैंग्वेज, घरेलू लैंग्वेज, किसी से बातचीत करने की लैंग्वेज, लव लैंग्वेज, या फिर दोस्तों मैकेनिकल लैंग्वेज, ये कई तरीके की भाषाएं हैं जो हमें इस सोसाइटी में रोल प्रदान करती हैं। दोस्तों प्रोफिशिएंसी जो होती है लैंग्वेज की, तो वो जिसे हम बोलते हैं प्रोफिशिएंसी, यानी कि जो हमारी स्किल है, यूजिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, लिसनिंग स्किल है, ये सारी स्किल्स कैसे हमारी डेवलप होती हैं, तो दोस्तों ये लैंग्वेज के यूज से डेवलप होती हैं। यानी कि लैंग्वेज को आप जितना यूज करते हैं, जितना उससे रिलेशन अपना रखते हैं, अपनी डिजायर, आइडियाज, इन सारी चीज़ों को जितना आप अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज द मीन्स ऑफ लैंग्वेज एंड दैट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट वन की व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो दोस्तों जब आप बात करते हैं कि बेसिक फंक्शन क्या है लैंग्वेज के,
तो जैसे अब हम इंग्लिश भाषा की बात करें, वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है? तो दोस्तों, हमें इंग्लिश भाषा में एक चीज आनी चाहिए, वो क्या? स्पीकिंग आनी चाहिए। तो दूसरी भी चीज हमें आनी चाहिए, वो क्या है दोस्तों? हमें लिसनिंग, यानी कि एक गुड लिसनर होना चाहिए। और दोस्तों, कहा भी जाता है अगर आप अच्छे नॉलेजेबल पर्सन बनना चाहते हैं तो आप ऑलवेज बी अ गुड लिसनर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल एवरीथिंग वट एवर द नेक्स्ट वर्ड इज शेयरिंग विद यू। तो आपको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप स्पीकर अच्छे बन गए, लिसनर अच्छे बन गए, तो भाषा को और अधिक मजबूत करने के लिए हमें एक और चीज की जरूरत होती है कि हम अच्छे रीडर बने, यानी कि हमारी लैंग्वेज क्या हो, रीडिंग स्किल पर आधारित हो, यानी कि हम अपनी लैंग्वेज की रीडिंग स्किल को भी एनहेंस करें। और दोस्तों, फिर एक चीज और आ जाती है कि अब हम किसी से बहुत दूर वार्तालाप करना चाहते हैं, जहां पर हम बोल नहीं पा रहे हैं, या फिर दोस्तों हम अपनी खुद के प्लेजर के लिए हमें एक चीज और जरूरत है, वो है दोस्तों राइटिंग की। तो हम क्या कहेंगे कि दोस्तों बेसिक फंक्शन क्या है हमारी लैंग्वेज के? देयर आर फोर बेसिक फंक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज हमें क्या प्रदान करती है दोस्तों? एक प्लेटफॉर्म प्रदान करती है स्पीकिंग का। मान लीजिए आप जापान गए, जापान की लैंग्वेज, यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ जापान, एंड यू आर आस्किंग फॉर वाटर और यू आर आस्किंग फॉर क्लॉथ्स। तो दोस्तों, अगर आपको जापानीज लैंग्वेज नहीं आती है, या फिर एक ऐसी लैंग्वेज नहीं आती जो आप कोड करें और सुनने वाला आपको डिकोड कर दे, यानी कि यहां पर जो सिग्निफायर सिग्निफाइड का रिलेशन है हमारा, जो हम फर्डिनेंड ससेओ की थ्योरी में पढ़ते हैं, उस थ्योरी में, स्ट्रक्चरलिज्म की थ्योरी में दोस्तों हम पढ़ते हैं, वो बिल्कुल लागू हो जाता है कि हमें स्पीकिंग की स्किल होना चाहिए उस लैंग्वेज की, उस प्रॉपर रीजन की। लिसनिंग होना चाहिए लैंग्वेज का दूसरा फंक्शन है लिसनिंग, तीसरा है दोस्तों रीडिंग, और चौथा है राइटिंग। तो ये आपके बेसिक फंक्शन है एक लैंग्वेज के। भाषाएं दोस्तों हमारे भारत में अधिक हैं। कहा भी जाता है दोस्तों कि हमारी भाषा बिल्कुल कुछ कोसों में बदलने लगती है, लैंग्वेज का तरीका बदलने लगता है, हमारे एक्सप्रेशन के तरीके बदलने लगते हैं, एंड और जो आप देखते हैं स्ट्रेस सिलेबल का तरीका आपके बदलने लगता है। दोस्तों, एक बहुत बेहतरीन आपके लिंग्विस्ट हैं, लैंग्वेजविद हैं, भाषाविद हैं जिन्हें हम कहें, वो है दोस्तों नॉम चोम्स्की, जिन्होंने दोस्तों दिया एक थियरी जिसका नाम है सोशल लर्निंग थियरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। दोस्तों, सामाजिक अधिगम सिद्धांत या सोशल लर्निंग थियरी, ये क्या है दोस्तों? तो उन्होंने पहले इस थियरी से पहले उन्होंने डिफाइन किया कि लैंग्वेज क्या है। तो चलिए हम नॉम चोम्स्की की जो बहुत ही बेहतरीन फेमस, काफी फेमस थियरी है, उसको हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों, अ सेट ऑफ सेंटेंसेस क्या है लैंग्वेज? अ सेट ऑफ सेंटेंसेस फाइनाइट और इनफाइनाइट। दोस्तों, जो ये सेट है, सेट जो है आपके सेंटेंसेस का, ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों तरीके का हो सकता है। यानी कि कैसा? फाइनाइट और इनफाइनाइट। Each finite in length and constructed out of a finite set of elements. यानी कि दोस्तों, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे हमारी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका भी बताती है, यहाँ पर नॉम चोम्स्की की जो भाषा है, वो भाषा की जो डिफिनेशन है, यानी लैंग्वेज की जो डिफिनेशन है, मैंने आपके साथ बता दिया। तो दोस्तों, लैंग्वेज की डिफिनेशन जब एक विकिपीडिया यानी एक और अथेंटिक डिफिनेशन की हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी डिफिनेशन दी हुई है, इसे देखें आप स्क्रीन पर। दूसरी डिफिनेशन है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम यूजेस सम फिजिकल साइन साउंड जेस्चर मार्क टू एक्सप्रेस मीनिंग। दोस्तों, क्या है लैंग्वेज? लैंग्वेज एक सिस्टम है, यानी कि लैंग्वेज में हम सिस्टम किसका देखते हैं? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट फ्रेज, ये सारी चीजें हम सिस्टमैटिक रखते हैं। तो दोस्तों, क्या है लैंग्वेज? लैंग्वेज एक सिस्टम है, और जो यूज करता है किनको? कुछ फिजिकल साइंस को। फिजिकल साइन में आपकी कैसी चीजें हैं? जिसमें आप साउंड को यूज करते हैं, जेस्चर को यूज करते हैं, या फिर मार्क को यूज करते हैं। दोस्तों, कोई आपके सामने जेस्चर, यानी कि आपके सामने कोई गर्दन हिला रहा है, दैट इज आल्सो लैंग्वेज। लेकिन वो लैंग्वेज क्या है दोस्तों?
वो साइन की लैंग्वेज है और वो बिना बोलने वाली लैंग्वेज है दोस्तों। और जैसे साउंड, साउंड तो आप सुन सकते हैं बिल्कुल, और मार्क दोस्तों, जैसे कि किसी ने मार्क बना दिया, जैसे मैंने यहाँ पर ए बनाया, या फिर दोस्तों मैंने एक मार्क बनाया, दूसरा देखे ये मैंने मार्क बना दिया, ये भी सिंबलाइज करता है, ये भी कुछ मीनिंग देता है आपको। तो यानी लैंग्वेज क्या है, सिस्टम, लैंग्वेज इज अ सिस्टम यूजेस सम फिजिकल साइंस टू एक्सप्रेस मीनिंग, यानी कि अर्थ को बताने के लिए लैंग्वेज जो है वो कुछ फिजिकल साइंस को यूज करता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों लैंग्वेज वर्सेस कम्युनिकेशन, यानी कि लैंग्वेज का रोल क्या है, विदाउट लैंग्वेज हम लोग क्यों अधूरे हैं। तो दोस्तों विदाउट लैंग्वेज आप अधूरे इसलिए हैं कि विदाउट लैंग्वेज कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है दोस्तों तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन दोस्तों आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं आपको दोस्तों कि एक होता है वर्बल, यानी कि जो दोस्तों रिटेन होता है, और एक होता है इसी का नॉन वर्बल, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों साइन, जेस्चर, ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट। दोस्तों कम्युनिकेशन के लिए हमें लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ओनली लैंग्वेज कैन नॉट बी द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज ही मींस नहीं हो सकती कम्युनिकेशन का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक दूसरा पार्ट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये हमारा साइन से होता है, जैसे लव की लैंग्वेज, आगे मैं दोस्तों भी आपसे चर्चा करूंगा। देयर आर आल्सो अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दोस्तों कुछ और मीन्स भी हैं कम्युनिकेशन के, देखते हैं ये कौन से मीन्स हैं दोस्तों कम्युनिकेशन के। तो दोस्तों हम कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर लेते हैं, कैसे, बॉडी जेस्चर के थ्रू। आप किसी की ओर देख रहे थे और उसने अपना माथा ऊपर थोड़ा सा उठा दिया, उठा गिरा दिया दोस्तों, क्या है, आपको लगा वो मेरा हाल चाल पूछ रहा है, या फिर दोस्तों आपकी तरफ किसी ने देखा और स्कॉर्नफुली देख करके आपकी तरफ मुंह घुमा दिया, तो आप समझ जाते हैं कि वो स्कॉर्नफुली मेरी तरफ देख रहा है। तो दोस्तों ये क्या है, ये बॉडी जेस्चर है दोस्तों। कुछ जैसे टर्न टेकिंग, दोस्तों कुछ जैसे मैंने हाथ को अपने घुमा दिया, मैंने बताया दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। आप जाते हैं किसी के पास, आपने पूछा कि भैया मंदिर कहां पर है, तो उसने बताया बस भैया आगे से ऐसे उसने किया, उसने कुछ नहीं कहा, ऐसे इशारा कर दिया कि फ्रंट, और देन उसने अपना हाथ मोड़ दिया, उसने सीधे कहा ऐसे और ऐसे अपना हाथ मोड़ दिया, यानी कि आप समझ गए कि ऐसे जाने के बाद ऐसे मुड़ जाना है। ओके, तो दोस्तों क्लियर है आपको। आगे मैं बात करता हूं आई गेज कंट्रोल। दोस्तों आई गेज कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा मीडियम है और बहुत स्ट्रांग मीडियम है। आपके नेट में क्वेश्चन भी आया था दोस्तों कि जब आप किसी से बात कर रहे हो या किसी आदेश का पालन करना हो तो आप किस चीज को समझेंगे। समझिए दोस्तों इस चीज को, जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति है, उसने कहा कि क्या मैं आपका सेलफोन ले लूं। सेलफोन दोस्तों मान लीजिए वो आपका नहीं है बट आपके पास रखा है, या फाइल कोई रखी है आपके पास, उसने कहा क्या मैं इसे यूज कर सकता हूं। वो जिसका था वो आपके सामने है दोस्तों, तो उसने थोड़ा सा इशारा कर दिया कि नो, यानी उसने थोड़ी सी गर्दन अपनी ना में हिला दी। ज्यो ही उसने गर्दन ना में हिलाई, आपने तुरंत अगले व्यक्ति को आंसर दिया कि नहीं, आप नहीं यूज कर सकते, मैं ये इजाजत यूज करने की नहीं दे सकता। तो दोस्तों आई गेज कंट्रोल, या फिर दोस्तों उसने आंखें अपनी मिचमिचा दी, कुछ आंखें मूंद ली, आंखें क्लोज कर ली, या फिर दोस्तों कोई आपकी तरफ देखकर थोड़ा सा आंखें घुमा देता है, ये सारे क्या है दोस्तों, आई गेज कंट्रोल। और जो लवर लोग होते हैं तो बहुत समझते हैं दोस्तों इस आई गेज कंट्रोल को, अच्छे से समझते होंगे दोस्तों। एक और मीडियम है कम्युनिकेशन का, मैं बॉडी जेस्चर की बात कर चुका हूं, टर्न टेकिंग की बात कर चुका हूं, आई गेज की कंट्रोल की बात कर चुका हूं, अब मैं बात करता हूं दोस्तों टच की। जो टच होता है तो ये टच भी हमें एक कम्युनिकेशन देता है। आपने किसी का हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींचा, यानी कि आप उससे कुछ चाह रहे हैं, या फिर दोस्तों आपने उसको टच करके इशारा कर दिया कि देखो उधर देखो, आपने उसको टच किया और टच करने के बाद आपने फिंगर उधर कर दी, दिस इज द टच कम्युनिकेशन। तो ये क्या है दोस्तों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। फिर हम बात करते हैं
इंटोनेशन की दोस्तों, और इसके अलावा इंटोनेशन के अलावा दोस्तों आपके सामने है डिस्प्लेज। दोस्तों जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिस्प्ले होकर के अपनी मीनिंग देते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं डिस्प्ले होकर के मीनिंग देने की बात करूं तो जैसे ज्वेलरी, टैटूज, क्लॉथिंग्स, कार्स, ये सारे ऐसे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हैं जो हमें मीनिंग देते हैं। आगे दोस्तों हम बात करते हैं एक कम्युनिकेशन पार्ट की। दोस्तों कम्युनिकेशन हमारी लैंग्वेज का जो पार्ट होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखें कैसे, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों जब हम किसी भाषा में बात करते हैं तो हमारे पास दोस्तों एक सेंडर होगा जिसे हम बोलते हैं इनकोडर। स्क्रीन पर देखें दोस्तों हमारे पास क्या होगा, एक सेंडर होगा जिसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हम उसको बोलेंगे इनकोडर या सेंडर। दोस्तों इनकोडर या सेंडर एक ही चीज है, आप इस बात को अच्छे से समझेंगे। फिर दोस्तों वो मैसेज भेजेगा, इनकोडर जो होता है वो मैसेज भेजता है और हम लोग क्या हैं, रिसीवर या फिर ये कह दें कि डिकोडर हैं। जैसे आप कोई टीवी चैनल देख रहे हैं या फिर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपके सामने जो ये कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बातें बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर कुछ चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, मेरी इनकोडिंग है, यानी कि मैंने कुछ साइन बना दिए हैं, कुछ सिंबल बना दिए हैं स्क्रीन पर जिनको देख करके आप मेरे दिए गए मैसेज को समझ रहे हैं। और आप क्या हैं दोस्तों, मैं एक सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं, और जो स्क्रीन पर बातें लिखी हैं और कुछ जो मैं बोल रहा हूं ये मैसेज है। और आपने दोस्तों मेरी बात को समझ लिया, नाउ यू हैव अंडरस्टैंड द मीनिंग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो आप दोस्तों क्या हुए, आप रिसीवर हुए और आपने मेरी बताई गई बात को सीधा क्या किया, डिकोड कर दिया। इस सब के बीच में दोस्तों आपको एक चैनल की जरूरत होती है, और चैनल क्या है दोस्तों, इस YouTube का ये प्लेटफॉर्म जो हमें चैनल दे रहा है, यानी ये रोल प्ले कर रहा है किसका, चैनल का। दोस्तों इसके बाद आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये फीडबैक जो आप कमेंट्स लाइक्स देते हैं ये आपका पार्ट है फीडबैक का। तो दोस्तों एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में किन किन चीजों की जरूरत होती है, सेंडर यानी कि इनकोडर, मैसेज, और मैसेज को भेजने के लिए दोस्तों आपको चाहिए होगा एक चैनल, और दोस्तों मैसेज जाएगा रिसीवर के पास, रिसीवर उसे डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद दोस्तों फिर उसी चैनल के थ्रू आपको वो फीडबैक देगा और वो फीडबैक फिर हमारे पास वापस आ जाता है। तो ये है दोस्तों कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो आपकी भाषा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप कम्युनिकेशन में कई तरीके की लैंग्वेज देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक, रिटन लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक क्या है दोस्तों, कि जब आप मूवीज देख रहे होते हैं, हॉरर ट्यून्स बजती हैं, तो वो क्या है, लैंग्वेज ऑफ म्यूजिक है। रिटन लैंग्वेज जो लिखी हुई भाषा है। लैंग्वेज ऑफ लव, दोस्तों जो तो बहुत अच्छे से आप लैंग्वेज ऑफ लव को समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर लैंग्वेज, दोस्तों कंप्यूटर भी कुछ अपनी भाषाएं, कुछ अपने साइंस लेता है, फिर उन चीज़ों को समझता है, उनको डिकोड करता है। तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन की मेरी बात रही। दोस्तों अगले लेक्चर में मैं आपके साथ लेकर के आऊँगा कुछ लैंग्वेज की थियरीज को। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ थियरीज आप लैंग्वेज की। दोस्तों ये जो दी हुई हैं, जो मैं अपनी स्लाइड ले आया था, इस स्लाइड को मैं बैक करता हूं और आगे मैं बात करूंगा कुछ लैंग्वेज की थियरीज की। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, और आप अपनी तैयारी अच्छे से करें, अच्छे से रहें दोस्तों, और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।